शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Yeah.
शर्मिला। यस सर। बड़ी अंदर क्या करता बाहर आओ, एक दूसरे का मदद करो। नी ना बड़ी आकाश की तरह है। आम है सर। अपना अपना लगेज उतारो और जिसको जो कमरा पसंद आवे उधर जम जाओ। ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बंधु, ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ पहुंचे। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता दोस्त, चल तो कोई प्यारी सी लड़की देख और उस पे मर जा। बुद्धू, लड़की तो स्वयं स्वर्ग होती है। लड़की का नाम मत ले, अगर प्रोफेसर साहब ने सुन लिया तो तुम लोगों का ये स्वर्ग नरक में बदल जाएगा, समझे? सब लोग अपना अपना सामान संभालो, लगता है अपने प्रोफेसर साहब की जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई। लड़की तो लड़की, वो अपने घर में बिल्ली चूही मुर्गी तक को नहीं आने देता। उसे तो स्त्रीलिंग से ही चिढ़ है। अगर ये लड़कियों वाली बस भी इस तरफ ले आता तो व्हाट गोज ऑफ इस फायर। दोस्त, जिसे खुद बदहजमी हो वो दूसरों को खाते नहीं देख सकता। अब घास फूस दिखाएगा और दोनों वक्त समोसे खिलाएगा। ब्यूटीफुल रंगीले दोस्त, ये जगह ताजमहल से कम नहीं। क्या बात करते हो आकाश, ताजमहल तो एक मकबरा है जिसे शाहजहां ने अपनी प्रेमिका बेगम की याद में बनवाया था। आकाश की हिस्ट्री बहुत कमजोर है और ज्योग्राफिया भी। इडियट, ज्योग्राफिया लड़कों का नहीं लड़कियों का होता है। वो उतराई वो ऊंचाई, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। सुन आकाश यार, संत कबीर का दोहा नहीं, कोई अपनी कविता सुना देना यार। अपनी कविता? हाँ, जवान धड़कते दिलों की कविता, कोई प्रेम गीत। क्या बात करते हो रंगीले यार, ये तो कवि है। अबे घोचू, यही तो कवि निशांत है। हैं कवि निशांत? आकाश तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार। दोस्तों प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये बात मत फैलाना कि मैं कविताएं लिखता हूँ, वरना इसका बाप इसके भविष्य का फैसला सुना देगा। ये देखो, इस भूमिका में हमारे कवि निशांत की नई कविता छपी है। बेलबोर्ड, बड़ी जल्दी से एक्सकर्शन के वास्ते रेडी होकर नीचे आ जाओ, गरम गरम समोसे तैयार है। सर, पूरी कचौरी भी मिलेगी? शट अप, नो पूरी नो कचौरी, समोसा ओनली समोसा। बड़ी जल्दी से तैयार होकर तुम लोग नीचे आ जाओ, ऑन द डबल। यस सर। दोस्तों अब हम अपने कविराज जी के मुंह से सुनेंगे इनकी रचना। रचना? तेरे पड़ोस वाली नहीं, बटन लगा। हाँ तो कवि निशांत, जरा झूम कर सुनाओ अपनी कविता। सुना देना यार। भैया यही वाली सुना देना। देख लो आवाज देकर पास अपने पाओगे, आओगे तन्हा मगर तन्हा नहीं। देख लो आवाज देकर पास अपने पाओगे, देख लो आवाज देकर पास अपने पाओगे। देख लो आवाज देकर।
सुनिए। गाती आप बहुत अच्छा है। अच्छा जी, आपकी आवाज सुनकर मैं आपके पीछे पीछे चला आया। बहुत मीठी आवाज है और बहुत ही सुर में। ये बेसुरी बातें बंद कीजिए और रास्ता नापिए। जरा रुकिए, देखिए मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। कहिए, जल्दी कहिए। ये जो कविता आप गा रही थी वो कवि निशांत की कविता है। जी निशांत मैं ही हूँ। अच्छा, आप कवि निशांत हैं? जी। तो फिर कवि कालिदास भी आप ही होंगे? जी। शकुंतला भी आप ही ने लिखी होगी? देखिए आप मेरा मजाक मत उड़ाइए, ये कविता मेरी ही है। बकवास बंद कीजिए, अभी दूध के दान टूटे नहीं और चले आए हैं निशांत बनकर। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे तो भरोसा कीजिए, अपनी ये कविता मैं आपको अभी सुना सकता हूँ। ये कविता? जी। मुझे तो कवि निशांत की सारी कविताएं याद है, इससे मैं अपने आप को निशांत तो नहीं कह सकती। आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं यकीन करना भी नहीं चाहती। देखिए, चाहिए किसी और को बेवकूफ बनाइए, मुझे ऐसी चालाकी से नफरत है। देखिए ऐसी कोई, देखिए प्लीज सुनिए, यार सब लड़के तैयार हैं, लेकिन एक्सकर्शन पे ले जाने वाला समोसा अभी तक नहीं आया। आकाश भी तो नहीं आया? हाँ यार, कहीं उस कचोरी ने उसे फंसा तो नहीं लिया? वो आ गया। क्यों, चल गया जादू, लड़ गए नैन? नैन तो नहीं लड़े, लेकिन मैं लड़के आ गया हूं। क्या? तुम सब लोगों को मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? उस लड़की के पास। क्यों भाई? जो मेरी कविता तो गाती है लेकिन मुझे निशांत मानने को तैयार नहीं। ये तो अपने दोस्त की इज्जत का सवाल है। एक्सकर्शन बाद में, चलो उस लड़की के पास। अरे हम चलेंगे तो कैसे नहीं मानेगी। हाँ, हाँ, आओ यार। आओ, देख लड़की। वो लड़की तो गई शाप। गई कहाँ? गई अब फुर हो गई। फुर हो गई? इन लड़की और चिड़ियों का कोई भरोसा नहीं शाप। निशांत साहब, आपकी प्रेरणा तो फुर हो गई। मजाक मत कीजिए, नाम पूछ। क्या नाम है उसका? मैं तो अंगूठा छापूं साहब, खुद पढ़ लो। लाओ इधर। कुमारी शिखा, ये तो दीपशिखा है, हमारे यार का दिल जला गई। कुमारी शिखा एंड पार्टी, कला मंत्री। हाँ, और वो झूठा कहने लगा मैं कवि निशांत हूँ। सुन लो, वो भी निशांत बनकर आया था। जरा सोचो तो, भला कोई 22-23 साल का लड़का कवि निशांत हो सकता है? इतनी सुंदर कविता तो वही लिख सकता है जो जिंदगी की हर मंजिल से गुजरा हो। लेकिन लड़के बेचारे भी क्या करे, ये रूप का चुंबक जवानी को जबरदस्ती खींचता है। तभी तो मैं से समझाती हूँ कि निशान की कविता ना पढ़ ना गा और ना इन जवान लड़कों से झूठ बुलवा। वाह, तो लड़कों के डर से मैं कवि निशान को भूल जाऊँ? निशान हाजिर है। नमस्कार। तुम फिर आ गए? जी, इस बार मैं अपने साथ गवाह भी लेकर आया हूँ। कवि निशान को पहचानने के लिए मुझे किसी और की नहीं अपने दिल की गवाही चाहिए। मैडम मान लीजिए यही कवि निशांत है, 100%। और आप सब इस निशांत के चमचे हैं, 100%। यही है वो आवारा जो शिमला में मुझे कवि निशांत बनकर मिला था। अच्छा, तो ये है वो हीरो। हाय, सूर्य तो नमकीन है। देखने में भी हसीन है। तभी तो हिंदी फिल्मी हीरो की तरह चमचे लेकर हमारी हीरोइन का दिल जीतने आया है। मैं कहती हूँ गोरखे को बुलाओ और इन सब की पिटाई कराओ। क्या? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कवि निशांत यही है। आखिर आपको क्या सबूत चाहिए? तुम निशांत हो? जी। कॉलेज में पढ़ते हो? जी हाँ। ये किताब तुम्हारी है? जी। जरा देखूं? आकाश भारद्वाज। झूठे बेईमान दगाबाज, अब बोलो तुम निशांत हो या आकाश भारद्वाज? कौन था? जी मैम साहब। इन सबको बाहर निकालो अभी। लो साहब। ए चलो, देखता अगर नाम बदल कर कविताएं तुम लिखोगे तो यही होगा।
लड़कियां तुम्हारी कविता गाएंगी, तुम लड़कियों का पीछा करोगे और अपनी बेइज्जती कराओगे। अमर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं नाम बदल कर कविता नहीं लिखूंगा तो डैडी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तो फिर कविता लिखना छोड़ दो। ये मैं छोड़ नहीं सकता। तो फिर लड़कियों का पीछा करना छोड़ दो। जी मैं ये भी नहीं छोड़ सकता। आखिर क्यों नहीं छोड़ सकते यार? इसलिए नहीं छोड़ सकता कि वो लड़की नहीं है, जादूगरनी है। अरे क्या सुरीली है, लाजवाब है। पर खुदार, अगर आपके डैडी को ये पता चल गया कि आप कभी भी हैं और प्रेमी भी, तो ना सिर्फ आपको घर से बल्कि शहर से भी आउट कर दिया जाएगा, समझे? That I know. आकाश भैया, जल्दी से मुंह मीठा कराओ। क्यों? ताकि मैं अपनी मीठी आवाज में निशांत की नई कविता, तुम्हारी नई कविता प्रेम गीत गा कर। चुप। तुम्हें पता है, डैडी को तो पता लग गया ना, तो कान पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तुम अच्छी तरह से जानती हो डैडी को कवि और कविताओं से कितनी नफरत है। कविता पढ़ी जा रही है। अरे लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स किताबें पढ़ते हैं, तो ये मेडिसिन किताबें पढ़नी चाहिए, कविता नहीं। कौन लाया ये? जी लाया कौन? जी डैडी, मैंने लाई तो कमला कहे से। झूठ क्यों बोलते भैया, मैं कब लाई? नहीं डैडी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तुम लाए? तुम लाए? मैं लाया, तुम्हारी माँ लाई होगी। जब देखो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो, गवाही कानून जुर्म, घर को कचहरी बना रखा है। नाश्ता करो। पर नाश्ते में है क्या? बहस मत करो, जो सामने है चुपचाप खा लो। सामने तो आप ही बैठी हैं। तो मुझे खा जाओ। ऑब्जेक्शन मिलोट, हम नहीं खाने देते। जी आपको खाना ही है तो टोस्ट खाइए। मैं कहती हूँ नाश्ता ठंडा हो रहा है। खाता हूँ। डैडी, एक बात कहूं? डैडी, सोसाइटी में कवियों का एक स्थान होता है। कविता एक मधुर कला है, यू शुड अप्रिशिएट इट। कैसे अप्रिशिएट करूं? अरे कवि लोग ढीले ढाले कपड़े, फटी हुई चप्पल, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल लिए पागलों की तरह घूमते रहते हैं। मुझे तो ये निशांत भी इन्हीं में से कोई उल्लू का पट्टा लगता है। डैडी प्लीज, उल्लू कहिएगा, उल्लू का पट्टा नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। अरे चले कहाँ, नाश्ता तो पूरा कर लो। तुम कहाँ चली? जी वो होमवर्क करना है ना। ठीक है, जाओ जाओ। छोड़ो भी, क्या शहद लगा है इस पत्रिका में। प्रेमी और प्रेमिका का मधुर मिलन, खुद मजा लेकर पढ़ते हो और बच्चों को डांटते हो। अरे तुम्हें नहीं मालूम, इन्हीं कविताओं से प्रेम रोग पैदा होता है। अच्छा? हाँ हाँ हाय हैंडसम, दाढ़ी आगे से हटाओ। आई हैव कम टू सी यू, और तुम भाग रहे? जरा प्यार से देखो यार, मेरी आंखों में देखो। देवी जी, मैं आंखों का डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर तो तुम दिल के भी नहीं हो। अच्छा देखो, मैं स्ट्रेस में कैसी लगती हूँ? ठीक है। ये ठंडे और बासी ठीक है से काम नहीं चलेगा, कोई ताजा गरम बात करो। आशा देवी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। जाने की बात जाने दे जाने, मैं भी आई हूँ, दिल भी आया है। अच्छे शायर हो और कुछ न सही, ताकत दो। बोलती बहुत हो, हर वक्त गेंद की तरह उछलती रहती। भगवान ने गेंद और लड़की इसीलिए तो बनाए हैं, हंसो उछलो खेलो। Shut up. क्या कहा, बकअप? हाय
हर वक्त बड़बड़ करती रहती है। बहुत ज्यादा बोलने की बीमारी है क्या? हाय कमला। हाय कमला, अपनी सहेली को किसी डॉक्टर को दिखाओ। बहुत ज्यादा बोलने की बीमारी है। हाउ आर यू आशा? आई एम फाइन थैंक यू। नमस्ते अग्रवाल साहब। नमस्ते। नमस्ते शिखा जी, कैसे आना हुआ? मेरे यहाँ कल एक पार्टी है, उसी के लिए आपको बुलाने आया था। बैठिए जी। कोई खास पार्टी है? हाँ, बर्मन साहब है ना एमपी, वो आ रहे हैं। मैंने सोचा अपने साथी कलाकारों को बुला लूं, उनसे मिला दूं। अग्रवाल साहब, वैसे तो मेरा आना मुश्किल है, लेकिन एक शर्त पर आ सकती हूँ। बोलिए। अगर कवि निशांत भी आपकी पार्टी में आए तो? कवि निशांत? भला वो क्यों नहीं आ सकता, अपना दोस्त है, अजीज है, वो कभी इनकार नहीं करेगा। पक्की बात। माफ करना, अग्रवाल कभी कच्ची बात नहीं करता। लो, आप ही के सामने उसे इनवाइट करता हूं। हेलो निशांत भैया, मैं अग्रवाल बोल रहा हूँ, दीपक अग्रवाल। अच्छा अच्छा, कैसे हो भाई, कहो। मेरे यहाँ कल एक पार्टी है, तुम्हें आना होगा। अरे यार, तुम ये पार्टीबाजी छोड़ोगे या नहीं? ऐसा करो, एक नई पार्टी बनाकर चुनाव में खड़े हो जाओ। हम तो तुम्हारी हाजिरी में खड़े हैं भैया, तुम कलाकारों के सेवक। मेरी बात करो ना। हाँ हाँ, सुनो भैया। फरमाइए। एक बड़ी मशहूर डांसर है शिखा जी, नाम सुना है ना? कौन? शिखा, वो बदतमीज लड़की है? आपके बारे में वो जानता है? क्या कह रहे हैं? कह रहा है वही खूबसूरत प्यारी प्यारी सी शिखा। हाँ सुनो भैया, शिखा जी तुमसे मिलना चाहती हैं। जी हाँ, मिलना तो मैं भी उनसे चाहता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं, तुम उनसे मिलना चाहते हो, बस हो गया संगम। बेचारा अग्रवाल तो टेलीफोन ऑपरेटर ही रह गया बात कराने वाला। अग्रवाल, तुम्हें नहीं मालूम उस लड़की ने मेरी बेइज्जती की है, उसने मुझे झूठा बेईमान धोखेबाज कहा है, मैं भी उसे सबक सिखा के रहूंगा। हाँ जरूर सीख, मेरा मतलब है सुनाना, मेरे यहाँ के सुनाना। क्या सुनाएंगे? है? अपनी नई कविता। हाँ मजा आएगा, मैं जरूर सुनूंगी। उन्हें मेरी नमस्ते कहिए ना। हाँ बाबा, सुनो भैया, शिखा जी तुम्हें नमस्ते कह रही हैं। अच्छा, उन्हें मेरी तरफ से ठेंगा दिखाइएगा, मैं इस घमंडी लड़की का घमंड तोड़ कर आऊंगा। तोड़ना भैया, जरूर तोड़ना, वो भी मेरे यहाँ आके तोड़ना। क्या तोड़ना चाहते हैं? है? शर्म और झिझक की दीवार। मैंने कहा नमस्कार। तुम मेरा पीछा छोड़ोगे या नहीं? जी पीछा तो आप मेरा कर रही हैं। क्या? हाँ। मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? क्योंकि मैं आपसे पहले यहाँ आया था और आप मेरे बाद। आज तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। झूठ तो कब चलता ही नहीं है, क्योंकि उसके पाँव नहीं होते ना। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ। किसी का किसी को समझ लेना बहुत अच्छी बात है। मुंह उठाकर चले आए। जी मैं मुंह उठाकर नहीं आया हूँ, बल्कि बुलवाया गया। एक तरह से अच्छा ही हुआ तुम आ गए, आज वो भी आने वाले हैं। ये वो कौन है? वही कवि निशांत, जिनके नाम का ढोंग रचाकर तुम दो बार आ चुके हो। हाँ नमस्ते शिखा जी। नमस्ते। इनसे मिलिए, ये है मेरा दोस्त। आकाश भारद्वाज। खूब जानती हूँ। जा, पहले से जानती हैं। आप जरा तशरीफ रखिए, मैं भी आता हूँ। ए मिस्टर। जी वो तो चलेगा। मैं तुमसे कह रही हूँ। तो कह दीजिए। अब भागने की कोशिश मत करना। अजी मैं ऐसे भागने वालों में से कहाँ हूँ। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज कवि निशांत हमारे बीच मौजूद हैं। अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आकर अपनी कविता सुना। कहाँ गए वो झूठा? भाग्य लोकर कहीं का।
स्वागत की तैयारी कर रही हैं। जी। आपकी खातिर दरवाजों का इंतजाम हो रहा है वही। समझा नहीं। घबराइए नहीं, वैसे खातिर नहीं तो चलिए
बैठिए। ये कहना चाहती हैं, हमने जो आपके साथ ज्यादती की, गुस्ताखी की, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और हाथ जोड़कर आपसे एक क्षमा मांगते हैं। लेकिन इन आंसुओं ने तो सिर्फ मुझे ही दोषी बना दिया है। फूलों में है रूप तुम्हारा, दिल में तू, आंखों में तू है, सोचों में, सांसों में तू है, ऐ मेरी कविता की सच। तुम यहां, तुम्हें दिखता नहीं मैं काम कर रहा हूं। आउट, आई से आउट। हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे भैया। तुम तो मान जाओगे, लेकिन तुम्हारी ये सहेली है ना, बड़ी ही विचित्र पहेली है। क्यों भैया? गरजती हुई बिजली, उड़ती हुई तितली, हर वक्त घूमती है, हर वक्त बोलती है। क्या हुआ इसे? भैया पहले ये बोलती थी, तुम सुनते थे, अब तुम बोलोगे, ये सुनेगी। वैसे आज पहली बार इसने अकलमंदी की बात की है। एक गाय की तरह जुगाली क्या कर रही हो? क्या इसके मुंह में? पान, तंबाकू वाला पान। तंबाकू वाला पान, इसे क्या जरूरत पड़ गई? तुम ही ने तो कहा था ये बोलती बहुत है। हम डॉक्टर के पास गए, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर फेल, पान पास। अच्छा, तो इसीलिए खाया तंबाकू वाला पान। इसीलिए मैं कहूँ कि आज ये इतनी अच्छी क्यों लग रही है। ये नहीं करता है। ठीक है, आज तुमने हमारा कहा माना है, हम तुम्हारा कहा मान लेते हैं। बैठो। ऐ मेरी कविता की सजनी, जहां भी देखूं तू ही तू है, ऐसे एक हुए हम दोनों, मैं नहीं अब तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही। हाय, मार डाला हैंडसम, बर्बाद कर दिया मुझे। अरे ऐसी कविता तो दुष्यंत ने शकुंतला के लिए भी नहीं लिखी। ओह रियली? ऐसे एक हुए हम दोनों, मैं नहीं अब तू ही तू है, तू ही तू है। सच्चा ने इस जीएस को उड़ा दो। उड़ा दे भैया, तो तुम सब लोग मेरे साथ हो। क्यों नहीं यार, जरूर है यार, तो फिर लड़ता हूँ मैं ये इलेक्शन। ओ माय गॉड, कितना हुआ? 10 रुपया। अरे ये आतिशबाजी, यहाँ क्या करने आई है? लगता है अपने यार आकाश को आकाश के तारे दिखाने आई है। आओ उसे कहीं छुपा दें। आकाश, आकाश छुप जाए जल्दी से। क्यों? वो आई है रणचंडी। अरे वो गुस्से में भरी आंधी की तरह दंदनाती हुई आ रही है। कौन? अरे वही धोखेबाज, दगाबाज, बेईमान कहने वाली। ओ, अच्छा, तो वो यहाँ तक पहुँच गए? हाँ यार। ठीक है, तो देखे लेते हैं। चलो भाई, चलो चलो। आकाश कहाँ मिलेंगे? लेबोरेटरी। थैंक यू, वेलकम। अब अपने यार की खैर नहीं। भैया
नमस्ते अंकल। अरे तुम यकायक धार्मिक कैसे बन गई? ये साड़ी, ये पल्लू, पूजा की थाली, सब क्या है? मैं मंदिर गई थी अंकल, बहुत शांति मिली। हाँ अंकल, आप भी आंटी के साथ मंदिर जाया कीजिए ना। तो अपनी आंटी से कहो कि मेरे साथ कचहरी चला करें। रहने दो बेटी, धर्म का नाम सुनकर ये हमेशा कचहरी को भागते हैं। इसलिए कि जो धर्म को करना चाहिए वो आजकल कानून को करना पड़ता है। नहीं अंकल, धर्म के बिना हर दिशा में अंधकार ही अंधकार है। इस संसार रूपी सागर में धर्म की नैया ही पार हो सकती है। बेटे अपने पापा से कहना कि किसी दिन मुझसे मिले, मुझे उनके साथ बहुत जरूरी काम है। जी अंकल। क्या धर्म प्रचार का नाटक खेला है? कलाकार हूँ अंकल, आंटी को तो फ्लैट कर दिया। भैया को फ्लैट करे तो जानू। वेरी वेरी डिफिकल्ट, तेरा भैया ना काबू आता है ना काबू करता है। यार इतने सारे पापड़ बेलकर तो मैं खुद पापड़ हो गई हूँ। अरे वाह, आज तो शिखा हमसे पहले तैयार हो चुकी। अरे आज नहीं होगी तो फिर कब होगी? ऐसा दिन शिखा की जिंदगी में पहली बार आया है। क्यों शिखा? ओह माय गॉड, तुम्हारा दिल लॉन्ग जंप और हाई जंप कर रहा है। ओके ऑल द बेस्ट। जरा संभाल कर जानी, ये रास्ते हैं प्यार के। आकाश कहाँ जा रहे हो? डैडी मैं जरा घूमने जा रहा हूँ। हाँ मौसम बहुत सुहाना है ना। जी हाँ, बारिश हो रही है ना। बारिश हो रही है और इस बरसात में तुम्हारा घूमना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम्हारी नाक नहीं गएगी डॉक्टर की प्रैक्टिस कैसे चलेगी? जी तो भालू मेरा ड्राइवर नहीं आया? जी नहीं तो तुम्हें मेरी गाड़ी चलानी होगी। लेकिन डैडी मेरा एक बहुत ही जरूरी अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट? जी। किससे? जी जी वो शट अप। ना घड़ी थमती है ना बारिश। अब वो नहीं आएगा शिखा, इस मौसम में कैसे आ सकता है? हर काम की जगह और टाइम होता है। तुहानू शर्म नहीं सानू है? एले फट। अरे ये क्या हुआ? लगता है तुम दोनों को इन्फेक्शन हो गया। यार ये बरसात है ना। लो ये सुनो, आप दोनों को इस तरह बरसात में भीगने के लिए किसने कहा था?
इसने नहीं नहीं इन्होंने अच्छा तो आप दोनों पूरी तरह भीग चुके हैं। अरे ये चक्कर कब से आ रहे हैं? जब से मेरे चक्कर में आई है और मैं इनके चक्कर में। ओके शट अप, बात को मजाक में मत डालो आकाश। ये चक्कर तुम्हें अभी आए हैं पहले से आते हैं? पहले कभी कभी आते थे, आजकल जल्दी जल्दी आने लगे हैं। आकाश जी मुझे इनका पूरा चेकअप करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्यों? क्योंकि इन्हें मेरे चैरिटी शो में डांस करना है। चलो बढ़िया है, अभी बड़ी सेल्फिश। सच में कर लूं एक रात ऐसी दे दो, ख्वाबों को सच में कर लूं एक रात ऐसी दे दो, जो उम्र भर न भूले सौगात ऐसी दे दो, जो उम्र भर न भूले सौगात ऐसी दे दो। मुझे ढक लोगे सुनों में तुम बन के प्यार बरसो, मुझे ढक लोगे सुनों में तुम बन के प्यार बरसो, तुम बन के प्यार बरसो, दो दिल रहे न प्यासे बरसात ऐसी दे दो, दो दिल रहे न प्यासे बरसात ऐसी दे दो। कर दे खैरात ऐसी दे दो, शाहों को मात कर दे खैरात ऐसी दे दो, ख्वाबों को सच में कर लूं एक रात ऐसी दे दो, जो उम्र भर न भूले सौगात ऐसी दे दो। कौन क्या हुआ? आ रहा डैडी। किसके डैडी? मेरे डैडी। वो बोगी मेकअप में तब चले आ रहे हैं, सुन सिचुएशन संभालेगा, रुपये भाव के जूते पड़ जाएंगे। लेकिन आज चलिए लेकर डॉक्टर भैया। हाय। वो कहाँ चले गए? वो हेलो अमर। नमस्कार अंकल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप भारद्वाज साहब? भारद्वाज अंकल जी थी रहो।
अंकल ये अपनी शिखा जी। अच्छा अच्छा, तुम्हारा नृत्य देखकर तबीयत बहुत खुश हुई, अच्छी कलाकार, भगवान तुम्हें तरक्की दे। अरे भाई वो कवि निशांत साहब कहाँ हैं? अच्छा गाते हैं, लगते भी खूब है, वाह वाह वाह, उनसे मिलवाओ जी। वो बाहर ऑटोग्राफ दे रहे होंगे। ऑटोग्राफ जी? चलिए बाहर देखते हैं। बाहर जी? चलो चलिए। ओ जी हेलो। कहाँ चले गए थे? अरे भाई वो वाह वाह करने वाले पीछा नहीं छोड़ रहे थे, बस ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ साइन किया जा रहा था। पता है तुम्हारे डैडी आए थे? सच? हाँ, उन्होंने मुझे प्यार से आशीर्वाद दिया। मेरे डैडी जो ठहरे, प्यार ही प्यार है उनके पास, इज जस्ट लाइक मी। सुनो, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, ये उन्हें कब बताओगे? आज ही बात कर लेता हूँ। मेरे डैडी बहुत सुंदर दिल आदमी है, मुझसे कहा करते हैं बेटे प्यार करो तो बाप से भी न डरो। आकाश, अरे भाई कभी हमारे पास ही बैठा करो। डैडी तशीफ लाइए, तशीफ लाइए, बैठिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? जिम, वो नाइट क्लासेस है ना? जो लेसन तैयार हो रहे हैं ना। लेसन? कैसे लेसन? जी वो हार्ट के, आई मीन दिल के। अच्छा अच्छा, तो हमारे बरखुर्दा दिल को भी खूब समझने लगे हैं। बेटे डॉक्टर के दिल में और कवि के दिल में क्या फर्क होता है? जी डरे, दिल तो दिल ही होता है, जो कहीं भी आ जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है। हा? मैं समझा नहीं। कौन थी वो लड़की तुम्हारी आवाज पे नाच रही थी? गर्दन तो शर्म से मेरी झुकनी चाहिए, जिसका इकलौता लाडला बेटा डॉक्टर बनने की बजाय कभी भांड और मिराशी बनता जा रहा है। मुझे कभी निशांत नहीं, डॉक्टर आकाश चाहिए। जी, गुड नाइट। सुनो, आइंदा तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे, नाटक नाटक की में नहीं जाओगे। फिर हो गए शुरू, क्यों हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो? जा बेटा आराम कर। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। देखो तुम बाप बेटे के बीच में मत आया करो, तुम्हारा ही लाड एक दिन उसको ले डूबेगा। जवान लड़के से बात करने का ये तरीका नहीं। तो, मेरा आकाश लाखों में एक है, हीरा है। अरे यही डर तो मुझे है, किसी दिन को ऐसी वैसी लड़की इस हीरे को अपनी अंगूठी में जड़ ले। मेरा बेटा पागल नहीं है। लड़कियां पागल बना देती हैं। मैं नहीं चाहता मेरा लड़का बैठ जाए, फिसल जाए। उसे अपने जैसा समझते हो? एक गिलास पानी ले आओ। ओ पापा, माय स्वीट पापा। मेरी गुड़िया, कैसे मेरी बेटी? फाइन, वेरी फाइन। पापा कितने दिन लगा दिए आपने आने में, जानती है कितना मिस किया मैंने आपको? मिस किया? क्या चाहिए? फोन पापा, फोन प्लीज। फोन? अरे पहले हाथ मुंह तो धो लेने दे। नो नो मम्मी, फोन फर्स्ट। हेलो। हाँ अंकल, मैं आशा बोल रही हूँ। पापा आ गए, उनसे बात कीजिए। हेलो, कैसे हो हीरालाल? अरे भारद्वाज जी, भाई वो आशा के बारे में कुछ बात करनी थी। हा? आशा के बारे में? हम उसे अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। अरे वो तो पहले से ही आपकी बेटी है। हाँ वो तो है ही, लेकिन फिर भी। कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो आपकी कृपा है। तो एक काम करो, किसी दिन भाभी को लेकर यहाँ आ जाओ। हाँ आऊंगा जी, जरूर आऊंगा। अच्छा नमस्ते। तो ये जल्दी थी। बात क्या है? अब बिटिया को इस घर से ज्यादा आकाश का घर अच्छा लगने लगा है। फिर डैडी ने क्या कहा? बोले खबरदार, जो प्यार व्यार का नाम भी मेरे सामने लिया तो। अच्छा। तो मैंने कहा डैडी, अगर प्यार करना पाप है तो उस भगवान को पकड़िए, क्योंकि उसने ये दिल दिया है, इस दिल में प्यार की धड़कन उसने डाली है, अब भगवान की गलती सदा मैं क्यों भुगतूं? ठीक तो है। तो भाग गए। बोले भगवान को मैं सेशन कोर्ट में बुलवाऊंगा, उस पर मुकदमा चलवाऊंगा, सजा दिलवाऊंगा और तुम्हें भी अपनी दौलत से ज्यादा से बेदखल कर दूंगा।
आकाश। मैंने भी कह दिया, शिखा को पाने के लिए मैं दोनों जहान की बादशाहत को भी ठोकर मार सकता हूँ। उन्होंने क्या कहा? वो बोले, आकाश तुम बहुत सिद्धि हो, तुम जीते, मैं हारा। माँ, मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा। बोलो कब मिलेंगे? किससे? डैडी? हाँ, वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ दिनों तो बहुत ज्यादा काम है, लेकिन फिर भी अगले इतवार को ले आना, वक्त निकालकर मैं उससे मिल लूंगा। भाई साहब, हमने बड़े लाड प्यार से बेटी को पाला है। इकलौती बेटी है हमारी। आप चिंता न करें, हमारे घर में भी एक ही लड़का है, आशा को हम आपसे ज्यादा प्यार देंगे। बहन जी, उसने तो अभी से इस घर को अपना घर समझना शुरू कर दिया है। शादी तो बच्चों की पसंद की होनी चाहिए, और अगर खानदान बराबरी के हो तो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल ठीक कहा आप, वो भी खुश, हम भी खुश। हाँ, यही बात तो मैं आकाश की माँ से कहता हूँ कि भाई अपनी तो कट गई। क्या कट गई? उम्र के पतंग। बहन जी, उम्र और पतंग तब कटने से बच सकती है अगर डोर पकड़ने वाली कोई समझदार जीवन साथी मिल जाए। ये कोई बात हुई ना, देख लेना, आशा और आकाश की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी होगी। हाँ। अच्छा, तो परसों का मुहूर्त शुभ? हाँ शुभ है जी। बात पक्की? पक्की। यदन आज शो के बाद डैडी से मिलना है? हाँ, मिलना ही क्या, उनसे बात भी करनी है और साथ ही शो का टाइम हो गया। गुड लक। थैंक यू। अरे क्या सोच रहे हो दोस्त? कुछ नहीं दोस्त, सोच रहा हूँ कि आज मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। कैसा झूठ? यार मैंने शिखा से वादा किया था कि आज शो के बाद उसे डैडी से मिलवाऊंगा। अच्छा? हाँ। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है गुरु? एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोल दो। बोल दो डैडी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। हाँ। लवली। शर्मा? यस सर। वो शिखा की रिपोर्ट आ गई क्या? आज ही आई है सर। अच्छा, जरा लेकर आओ। अब तबीयत कैसी है? इंजेक्शन दिया है, कुछ देर के बाद होश में आ जाएगी। क्या बात है, इतने परेशान क्यों? शिखा को भूल जाओ आकाश। क्यों? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इस वक्त कुछ और मत पूछो, उसे भूलने की कोशिश करो। अब आखिर क्यों?
इसलिए कि वो तुम्हारे साथ बहुत दूर तक नहीं चल सकेगी। क्या हुआ उसे? बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारी शिखा को कैंसर है। डीप सीटेड ब्रेन ट्यूमर, जिसका कोई ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। शिखा अब सिर्फ 4-6 महीने की मेहमान है। नहीं अमन, ऐसा मत कहो। अभी उसकी उम्र क्या है? सिर्फ 18 बरस। इस बेचारी का सफर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहा है। दर्द को दबाने के लिए पेन किलर्स तो है ना? मैं तुम्हें लिख के देता हूं। अमर, एक वादा करो, शिखा को आखिरी वक्त तक भी इस बीमारी का पता नहीं लगना चाहिए। आई प्रॉमिस। थैंक यू। चलो आकाश, मुझे घर ले चलो। हाँ। आज डैडी से मिलना है ना? नहीं शिखा, तुम्हें पूरा एक हफ्ता बिस्तर में आराम करना है। ना सीढ़ियां चढ़ोगी ना सीढ़ियां उतरोगी। क्यों, मुझे क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग अटैक ऑफ एनीमिया, ओवर स्ट्रेस, एक्सर्शन, इसलिए चलना फिरना बिल्कुल बंद। भाई ये क्यों चलेंगे? इनका गुलाम जो हाजिर है हमें उठा कर ले जाएंगे। ये आज अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ? मुझे आज तुम्हारे डैडी से मिलना था और आज ही मैं बीमार हो गई। तुम बीमार, डैडी लाचार? क्या मतलब? मतलब ये कि डैडी टूर पर गए और तुम बीमार हो गए। डैडी वापस आएंगे और तुम अच्छी हो जाओगे। अब कब मिलेंगे? अरे जब आएंगे तब मिल लेंगे, लेकिन हम रोज मिलेंगे, हर वक्त मिलेंगे। लड़की बीमार, लड़का तीमारदार। लेकिन ये सेवा मुझे करनी चाहिए थी और कर रहे हो तुम। तो ठीक है, हम आपकी बीमारी ले लेते हैं और आप हमारी खिदमत ले लीजिए। ना, बीमारी भी मैं लूंगी और खिदमत भी मैं करूंगी। ये तो नहीं होगा। अच्छा एक बात पूछूं, डॉक्टर भैया कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं, क्यों? ऐसे तुम मिले, इतना प्यार मिला, इतनी खुशियां एक साथ मिली, डरती हूं कहीं ये सपना ना हो। पगली, चुपचाप सो जाओ, आगे मत करो। बहुत सुंदर, जैसी हमारी आशा वैसे उसके गहने। वो तो कुछ भी पहन ले,
उस पर सब खिलता है। अरे तुम खिलो तो जाने। क्या? आकाश ने उसे पसंद इसलिए किया है ताकि तुम्हारे माथे के बल साफ हो जाए। बल मेरे पड़ते हैं या तुम्हारे? फिक्र ना करो, एक बार आशा को आने दो, फिर वो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे दोनों के बल निकाल देगी। मैं कहती हूँ ओफो, फिर शुरू हो गए। डैडी देखिए ये अंगूठी कैसी है। हाँ ये तो लाजवाब है। और मम्मी को ये हीरा ही पसंद नहीं आ रहा। अरे अगर तुम्हारी मम्मी को हीरे की परख होती तो सबसे पहले इस हीरे की कदर करती। अब ज्यादा बड़बड़ मत करो, घर में बहू आने वाली है। कमला अंगूठी पहन कर दिखा दो। ना ना बेटी, ये एंगेजमेंट रिंग है, आशा के लिए बनी है। बेटी तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं जरूर बन रही होगी। डैडी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आओ कहो। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अकेले में? सुना तुमने, ना शादी ना सगाई, और साहेब दादे को अभी से रात की बात याद आई। अच्छा भाई। आओ बरफरदार, तुम्हारी खास बात भी सुन ले। अभी आया। तुम चाहते हो कि मैं दुनिया के सामने सर उठाकर चलने के काबिल न रहूं? मैं ऐसी लड़की को इस परिवार में नहीं ला सकता। सिर्फ लाना ही नहीं डैडी, आप उसे घर की बहू का दर्जा देंगे, अपने परिवार में शामिल करेंगे और अपना प्यार और आशीर्वाद भी देंगे। मैं पूछता हूँ आशा में ऐसी कौन सी कमी है? वो मुझे पसंद है, तुम्हारी माँ को पसंद है, तुम्हारी बहन को पसंद है, फिर तुम्हें क्यों पसंद नहीं? मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार मिलना चाहिए डैडी। बाप के सामने जबान चलाते हो? नहीं, अगर दिल की बात आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? देखो आकाश, मेरा वचन पत्थर पर लकीर होता है, ये रिश्ता नहीं टूट सकता। डैडी मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं शिखा से प्यार करता हूं और वो तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहती है। प्लीज साफ साफ बताओ, क्या वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है? डैडी नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? डैडी आप कानूनदान हैं, एक महान इंसान है, इंसाफ करना और परखना आपका धर्म है, क्या आप मेरी छोटी सी बात का जवाब देंगे? पूछो। डैडी अगर एक तरफ इज्जत शोहरत और दौलत हो और दूसरी तरफ इंसानियत, तो आप किसे चुनेंगे? इंसानियत? मैं भी आप ही का बेटा हूं, मेरे सामने भी ऐसी एक समस्या है। कैसी समस्या? जवाब दो। शिखा को कैंसर है। उसकी जिंदगी सिर्फ 4-6 महीने और है, क्या आप चाहेंगे कि मैं उसे 6 महीने पहले ही मौत दे दूं? क्या आपका इंसाफ ये पसंद करेगा कि आपका बेटा आशा के बाप की दौलत और आपकी इज्जत के लिए इंसानियत छोड़ दे? साहब नीचे कोई आपसे मिलने आया है। तुम यहां कैसे आई? मैं आपसे बात करने आई हूँ। आकाश के साथ आई हो? जी नहीं, अकेली आई हूँ, उन्हें पता तक नहीं। पता तक नहीं? हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, दोनों एक साथ आते, आप मुझे स्वीकार न करते तो आकाश पागी होकर आपकी शान में गुस्ताखी कर बैठते। वो आपके इकलौते बेटे हैं, अपनी खुशी के लिए इस घर की खुशी मैं बर्बाद नहीं कर सकती। वो आपसे बात करने में झिझकते हैं, मैं हिम्मत करके आपके पास आई हूं कि आप। मगर आकाश का रिश्ता तो हम तय कर चुके हैं। आकाश ने तो मुझे नहीं बताया। उसे मालूम नहीं था।
आज ही तय हुआ है। एक विनती कर सकती हूँ? बोलो। मेरे यहाँ आने की बात उनसे न कहिएगा। शिखा को कैंसर है, उसकी जिंदगी सिर्फ 4-6 महीने और है। क्या आप चाहेंगे कि मैं उसे 6 महीने पहले ही मौत दे दूं? क्या आपका इंसाफ ये पसंद करेगा? क्या आपका बेटा आशा के बाप की दौलत और आपकी इज्जत के लिए इंसानियत छोड़ दे? सुनो, इधर आओ। तुम आकाश से प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो, बोलो। ये मेरी भूल थी, मुझे आज पता चला कि बेनामी इज्जत के गले नहीं लग सकती। और फिर जिसके पैदा होने से पहले ही बाप और पैदा होते ही मां चली जाए, उस बदनसीब को प्यार कैसे मिल सकता है? हाँ, ये सच है, कड़वा सच। लेकिन बेटे, मैंने सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ा। बैठो बैठो। अरे आकाश, नीचे आओ। लक्ष्मी, कमला, तुम भी नीचे आओ, सब आ जाओ। आकाश बेटे, जिसे प्यार करते हो उसका स्वागत नहीं करोगे? इधर आओ बेटे, आओ ना, आ जाओ। लक्ष्मी, कमला, अरे आज हमारे घर में एक और बेटी आई है। अरे बहू भी तो बेटी होती है। आकाश, दाने दाने पर खाने वाले का नाम और हर अंगूठी पर पहनने वाले की मोहर होती है। लो, पहनाओ इसे। अरे पहना दो ना, पहन लो, शाबाश। सुगंध और सुमन की तरह जाए हम, सुगंध और सुमन की तरह एक हो जाए, एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह। आओ
डैडी, ये आपने क्या कर दिया? जवाब दो, अब क्यों सर झुकाकर चल रहे हो? उस वक्त तो बन गए थे दानवीर कर्ण, ना सोचा ना समझा, उठा के सब कुछ डाल दिया उसकी झोली में। तुम तो कहा करते थे दुनिया बदल जाए, मैं ज़बान नहीं बदलता। अब क्या हुआ? मैं कहती हूँ हमारे भी बेटी है, हमारे साथ कोई ऐसा सलूक करे तो क्या गुजरेगी हम पर? दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे? आशा के माँ बाप को क्या कहोगे? कैसे कहोगे? बोलो बोलो ना लक्ष्मी। कैसी लगी? नहीं मम्मी, और देखनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, गहरी तो पसंद कर लो। ये अच्छा। हाय अंकल, बहुत अच्छे वक्त पर आए। नमस्ते भाभी। नमस्ते। पापा कहाँ हैं? मैं उन्हें अभी बुला के लाती हूँ। आई नीडेड यू वेरी मच अंकल, आपका और मेरा टेस्ट सेम है। पापा मम्मी की सिलेक्शन तो एकदम फनी, देखिए ना मुझे घर से निकालने की तैयारी हो रही है। एंड यू नो अंकल, मुझे आपका घर बहुत अच्छा लगता है। सुना है तुम शिखा से शादी करने जा रहे हो? हाँ। तुम अपना ये फैसला अगर 6 महीने के लिए टाल दो तो बहुत अच्छा है। प्यार में वादे और फैसले बदलने वाले बेवफा कहलाते हैं दोस्त। बेवकूफी मत करो, उसे भूल जाओ। क्यों भूलूं? क्योंकि एक लाश के साथ शादी करना अपने साथ नाइंसाफी है, जुल्म है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम जानते हो कि उसकी उम्र बहुत थोड़ी है। खूबसूरती और प्यार का एक पल एक सदी के बराबर होता है डॉक्टर। जरा सोचो, फूल का जीवन सिर्फ एक मुस्कुराहट है, लेकिन वो फिर भी खिलता है, महकता है और सबको खुशबू देता है। तुम सिर्फ एक कवि हो और तुम सिर्फ एक डॉक्टर हो अमर। अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मेरे इरादों को कमजोर करने की कोशिश ना करते। जज्बाती बातें मत करो, ये बताओ कि 6 महीने के बाद क्या करोगे? तुम ये क्यों नहीं पूछते कि मैं 6 महीनों के अंदर क्या क्या नहीं करूंगा? उसकी जिंदगी की हर कमी को पूरा कर दूंगा, उसको प्यार की दौलत से मालामाल कर दूंगा। इन 6 महीनों में मैं उसे 6 जन्मों की खुशियां दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने सब तैयारियां कर रखी, मिलने जुलने वाले रिश्तेदार सब मुबारकबाद देने आ रहे हैं। क्या कहूं, बात ही कुछ ऐसी है। ये बात नहीं, आग है, आग। आपने मेरी बेटी की जिंदगी, इस घर की खुशी और मेरी इज्जत को आग दिखा दी। हीरालाल, आपके दिल में जो कुछ भी है साफ साफ कहिए। मैं अपने आप को बेच दूंगा मगर आपकी हर मांग को पूरा करूंगा। बोलिए आपको दहेज में क्या क्या चाहिए? हीरे, जवाहरात, कोठिए, नोटरे, और कुछ? मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ। तो फिर मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? क्या मेरे खानदान में खोट है? क्या मेरी हैसियत आपसे कम है? क्या मेरी बेटी का चरित्र? नहीं हीरालाल, ऐसा ना कहो। आपसे तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी बेटी है। वो तो गंगा जल की तरह पवित्र है। अभागा तो मैं ही हूं जो उसे अपनी बहू नहीं बना सका। मगर क्यों? मैं वजह जानना चाहता हूं, मैं उसका बाप हूं। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की और आपने मुझे बर्बादी और जिल्लत के दोराहे पर खड़ा कर दिया। हीरालाल, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। एक मजबूर बाप को माफ कर दो, माफ कर दो। याद रखिए, आपने ये रिश्ता नहीं तोड़ा, मेरी बेटी का दिल तोड़ा। पापा, बेटी अब ये रिश्ता नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगी। आकाश को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? अगर तुमने आकाश के साथ शादी की तो तुम्हारी डोली के साथ मेरी अर्थी उठेगी। आकाश से इतना प्यार करती हो? दिल से, जान से, आत्मा से। मेरा प्यार सच्चा है। प्यार सच्चा या झूठा नहीं होता,
सिर्फ प्यार होता है, प्यार छीनना नहीं पाना है, प्यार लेने का नहीं देने का नाम है, प्यार सेवा है, प्यार त्याग है, प्यार सेवा है, प्यार त्याग है। तो तुम अपने प्यार का त्याग कर दो, मेरा आकाश मुझे दे दो, ठीक है, जाओ खुश रहो, आज से आकाश तुम्हारा हुआ। प्यार सच्चा या झूठा नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है, प्यार छीनना नहीं पाना है, प्यार लेने का नहीं देने का नाम है, प्यार सेवा है, प्यार त्याग है। महान है, तुमने मुझे प्यार का अर्थ समझा दिया, प्यार लेने का नहीं देने का नाम है। मैं तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगी, दुल्हन बनाऊंगी, तुम्हारी शादी में नाचूंगी गाऊंगी। Thank you.
माता जी के चरण छूओ। जीते रहो। पिताजी के चरण छूओ। भारद्वाज जी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटी, भगवान करे तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। बेटे, अपने सुख का बलिदान देकर दूसरों की झोली भरना बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन बेटे, एक बात याद रखना, रेगिस्तान का सफर करने वाले साय की उम्मीद नहीं रखते। आई नो डैडी, आई नो। आंखें बंद करो। क्यों? तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। तुम्हारे गले में कितना अच्छा लगता है। मेरे गले में तो ये बाहें अच्छी लगती हैं। हेलो शिखा बेटे, मैं डैडी बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? सुनो, आकाश को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। आप कब आए? अभी भी आया। वो कहाँ है? यही मेरे पास। सुनो, तुम नीचे आ जाओ अकेली। अच्छा। मैं अभी आती हूँ। कौन था? है कोई? और यमीन है कोई? एक पुरानी पहचान। पुरानी? शादी से पहले की। डार्लिंग, डोंट बी जेलस।
मैं बाहर जा रही हूँ, देर हो जाए तो खाना अकेले ही खा लेना। बाय। श्रीमान। हेलो। ओ नो डैडी, आप यहाँ अचानक कैसे आ गए? तुम दोनों को देखने को जी चाह, चलो आया। खुश हो ना? खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। डैडी हाँ, खाना मजेदार है ना? इसलिए कि तुम्हारी पत्नी ने बनाया है। नहीं डैडी। अरे पहली बार जब मेरी पत्नी ने इस घर में खाना बनाया था तो मेरे पापा तो खुशी से नाचने लगे थे, बोले ये किसी बैरिस्टर की नहीं, किसी बावर्ची की बेटी है। देखा मम्मी, डैडी क्या कह रहे हैं? खाना खाओ खाना। हकीम लुकमान ने कहा है कि प्यार जताओ गा के और खाना खाओ मुस्कुरा के। ओहो, लगता है मम्मी को खाना अच्छा नहीं लगा। कैसे लगेगा, एक बावर्ची दूसरे बावर्ची की तारीफ नहीं करता। पहले तो बोलते नहीं थे, अब चुप नहीं होते, बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हैं। अरे भाई बड़बड़ ना करूं तो और क्या करूं? पहले हम बाप थे, अब हम ससुर हैं। घर में बहू रानी आई है, बहू रानी। डैडी मैंने कितनी बार कहा मुझे बहू नहीं बेटी कहा कीजिए। बात सोचने वाली है, अगर ये मेरी बेटी हुई तो तुम मेरे दामाद, और ये मेरी समधन तो मेरी पत्नी कहाँ गई? बोलो बोलो। अरे अगर इनमें समधन समझ लूं तो मैं क्या खड़ताले में जाऊं? ओ क्या हो गया, दोनों रूठ गई? डैडी हाँ, मां आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में। जब से आशा की जगह शिखा इस घर में आई है, मां बेटी का पाला चढ़ा ही रहता है। ये ठीक नहीं, शिखा को अगर इस बात का एहसास हो गया तो। तुम फिक्र ना करो, उसे एहसास होने से पहले हम इन दोनों के स्क्रू टाइट कर देंगे। स्क्रू? मां, मैं तुमसे आज्ञा लेने आया हूं। मां लगता है आप लोग शिखा को अपनाना नहीं चाहते, इसलिए अच्छा यही है कि मैं उसे लेकर कहीं और रहने चला जाऊं ताकि आप लोग खुश रह सके। हमारी खुशी की चिंता तुम्हें कब से होने लगी? माँ बहन को भूलकर अब तो तुम्हारे लिए सब कुछ पत्नी हो गई। माँ का स्थान पत्नी तो क्या भगवान भी नहीं ले सकता, लेकिन जब अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उसका हाथ थामा तब उसे कैसे छोड़ दूं? ये क्या जातक हो रहा है? डैडी ये मेरी मजबूरी है। तो मनमानी भी तुम्हारी मजबूरी थी, मैंने दुनिया की समाज की तुम्हारी माँ की परवाह न करते हुए इसलिए तुम्हारा साथ दिया कि तुम जवानी के जोश में आकर कुछ करना बैठो। लेकिन जब शिखा बेटी की तरह रहना चाहती है, सबकी सेवा करना चाहती है, तो फिर उसके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा? वो मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सब कुछ सहना होगा। क्यों सहना होगा? हम नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो छोड़ दो ये घर, चले जाओ जहाँ जाना है। तुम अपनी पत्नी के साथ खुश और हम अपनी पत्नी के साथ खुश। तो ठीक है डैडी, मैं जा रहा हूँ। अरे रोकता कौन है, जाओ जाओ। अच्छा माँ, मुझसे कोई भूल या गुस्ताखी हुई हो क्षमा करना, मुझे भूल जाना माँ, मुझे आशीर्वाद दे माँ कि मैं तुम्हारे बगैर भी सुनता रह सकूं। सोच क्या रही हो, आशीर्वाद दो और निकाल दो घर से। घर से निकाल दूं इसे क्या तुम्हें? इतने ही तंग हो मेरे बेटे से तो खुद निकल जाओ। तो मर्दों को क्या पता माँ का दिल क्या होता है। बेटा हाँ? तू कहीं नहीं जाएगा। नहीं माँ, लेकिन माँ वो शिखा। तू उसकी चिंता न कर, मैं उसे बेटी की तरह रखूंगी। कहाँ है मेरी बेटी? नीचे है। शिखा, शिखा बेटी, शिखा। अरे डैडी।
इस हार को देखकर कोई कह सकता है कि ये हीरे नकली है? नकली है? मैं तो इसे असली समझ रही थी। यही तो सरप्राइज है भाभी। मेरी एक सहेली है, बहुत ही शरारती है। उसने मेरी बर्थडे पर ऐसा ही चौंका देने वाला प्रेजेंट दिया था, और आज उसका बर्थडे है। मैं भी उसे वैसा ही सरप्राइज देने वाली हूँ। कमला, भाभी को भी साथ ले जा, घूम फिर आएगी और तेरी सहेलियों से भी मिलाएगी। ऑफ कोर्स मम्मी। चलो भाभी, तैयार हो जाओ। नहीं कमला, पिताजी से पूछे बगैर मैं। तुम सिर्फ उनकी बेटी नहीं, मेरी भी तो बेटी हो। मेरे होते हुए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। ओ मम्मी, यू आर ग्रेट। सुनो जी, तुम्हारा जन्मदिन कब है? मेरा जन्मदिन इसी महीने की 17 तारीख को। अच्छा, इसी महीने में? मगर कभी मनाया नहीं। क्यों? कौन मनाता माँ जी, ना माँ ना बाप। फिक्र न कर, इस बार तेरा जन्मदिन इतनी धूमधाम से मैं मनाऊंगी कि सारी कसर निकल जाएगी। हाँ, इस महीने की 17। भाभी, भाभी क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, लगता है भाभी की तबीयत खराब हो गई है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? इस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं, सास माँ के पास होता है। समझो, घर में खुशी आने वाली है। तुम्हारा मतलब है कि बाबा? हाँ, जा ऊपर जा, फिर उल्टी आए तो मुझे इशारा करना। हाँ? अच्छा। मामी, उल्टी। सब ठीक तो है लक्ष्मी? माँ, बात क्या है? इतनी मीठी बात मुंह मीठा किए बिना नहीं बताऊंगी। कुछ कहो तो। आज मेरी बहू ने पहली उल्टी की है। माँ, उसने उल्टी की और तुम खुश हो रही हो? अरे बुद्धू, तुझे ब्याह करके भी अकल नहीं आई? इसका मतलब है तू बाप बनेगा, ये दादा और मैं दादी। ठहरो, मैं भी तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ। लेकिन डॉक्टर अमर ने तो कहा था। शायद भगवान को शिखा पर तरस आ गया, उसकी लीला परंपरा है बेटे। वो मेहरबान हो जाए तो उम्मीद के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। जाओ बेटे जाओ। मन, मेरी जिंदगी, मेरे प्यार। अच्छा बोलो मेरी जान। आज मुझे विश्वास हो गया कि ऊपर वाला सचमुच दया का सागर है। तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं कितना खुश हूं। ऐसे मत देखो, मेरी नजर लग जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? धीरे बोलो, कोई सुन रहा है? कौन? वही। अच्छा नाम क्या सोचा है? कुछ नहीं। अगर लड़की हुई तो? भावना। और लड़का हुआ तो? जान, मेरे आकाश का चांद। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। कोई आशीर्वाद, कोई चमत्कार उसे मां नहीं बना सकता। तो फिर उस उल्टी का मतलब? इसका मतलब है कि शिखा का अंत और भी नजदीक आ गया है। नहीं, बात महीनों और हफ्तों की नहीं, कुछ दिनों की है। अंकल, भाभी को पूरे आराम की जरूरत है। पूरे आराम की जरूरत?
डॉक्टर साहब, मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। किसी तरह शिखा को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। मैं आपका दर्द समझता हूँ मिस्टर भारद्वाज, बट आई एम सॉरी, इसका कोई इलाज नहीं। साइंस ने इतनी तरक्की की है डॉक्टर साहब, कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। प्लीज डॉक्टर प्लीज। सॉरी मिस्टर भारद्वाज, हम मजबूर हैं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। एक ही रास्ता भारद्वाज साहब, सिर्फ प्रार्थना। हमारी संस्था हमेशा चैरिटी शो करती है। ये प्रोग्राम कैंसर अस्पताल की सहायता के लिए है और कुछ अरसा पहले शिखा जी की मर्जी से ही तय किया गया था। पहले बात और थी मिस्टर अग्रवाल, अब शिखा डांस नहीं करेगी। वो किसी किसी के पास ट्रेन नहीं ले सकती। भरद्वाज साहब, उनके बिना सब चौपट हो जाएगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आप समझते क्यों नहीं, ये दिन उसके नाचने कूदने के नहीं है। अगर आप मुनासिब समझे तो शिखा जी से पूछ लें। पूछने की कोई जरूरत नहीं। I'm sorry, Mr. Agarwal. जैसे आपकी मर्जी। नमस्ते। बेटे, मैंने अग्रवाल को तुम्हारे डांस प्रोग्राम के लिए इनकार कर दिया है, ठीक किया ना? हाँ डैडी, बिल्कुल ठीक किया। शिखा बेटे, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। डैडी, जितना प्यार आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। जान नहीं बेटे, अपने घुंघरू मुझे दे दो। घुंघरू? हाँ, ताकि तुम कभी भूल से उन्हें पहन ना सको। अभी लाई। क्या सोच रहे हो? लक्ष्मी, शिखा को खुश रखा करो। अरे मैं तो सारे मोहल्ले को खुश करने की सोच रही हूँ। घर में जल्दी से मुन्ना आए, मिठाइयाँ बटें और दादा की जेब खाली हो जाए। लीजिए डैडी। लेकिन डैडी, जब आप अपनी 60वीं सालगिरह मनाएंगे तो मैं ये घुंघरू पहनकर जी भर के नाचूंगी, प्रॉमिस। देख क्या रहे हो, हाँ कर दो ना। प्रॉमिस। रहते हो आजकल? हो, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में। सब मर्द एक जैसे होते हैं, पहले पहले लड़की के आगे पीछे घूमते हैं और जहां प्रेमी का पत्नी बन गई सब प्रेम प्रेम भूल जाते हैं। नहीं शिखा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तो फिर कहां गायब थे? मंदिर गया था। किस लिए? दुआ मांगने। कैसी दुआ? तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। क्यों, मुझे क्या हुआ? हुजूर, मेरा एक मोजे से काम नहीं चलेगा, यहां तो दर्जनों मोजे बनाने पड़ेंगे ताकि सारा घर मां दादी मां की आवाजों से गूंजने लगे और सारे बच्चे परेशान होकर कहना शुरू कर दें, दादी मां बस करो, और मुझसे कहे दादाजी दादाजी।
सुबह सुबह जोड़ी कहाँ जा रही है? बस टोक दिया ना, जब भी किसी शुभ काम से जाती हूँ हमेशा बदशगुनी कर देते हो। बदशगुनी तुम कर रही हो, घर वाले घर और घर वालियां बाहर, ये कहाँ का इंसाफ है? अब बहू के सामने मेरा मुंह ना खुलवाओ, पास रहूं तो हर वक्त किताबों में घुसे रहते हो, जरा बाहर निकलो तो तड़पने लगते हो। अब ये तो बताती जाओ कि मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रही हो? क्यों बताऊं, मेरी भी तो बेटी है, चल बेटी। नाम शिखा भारद्वाज, उम्र 18 साल, मेरी नहीं इसकी। शादी कब हुई? 3 महीने पहले। फिर तो पहले साल ही गोद भर जाएगी। चलने फिरने में कोई तकलीफ तो नहीं होती? जी नहीं, बस 2-1 बार उल्टी आई। उल्टी आना, जी मचलाना, दिल घबराना, ऐसी हालत में मामूली बातें हैं, क्यों डॉक्टर? आओ बेटे, मैं तुम्हारा चेकअप कर लूं। अरे क्या हुआ? ऐसे चक्कर तुम्हें पहले भी कभी आए हैं? महीने में 1-2 बार आते। कब से? ये कोई 1 साल भर से। क्या महसूस होता है? आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, जिसमें बेजान सा हो जाता, और ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई चीज सही गई है। बेटी, तुम्हारी कंप्लीट चेकिंग होनी चाहिए, इसके लिए तुम्हें स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा। Close your eyes, please. अब मैं क्या बताऊं बेटी, तुम्हें यहां बहुत पहले आना चाहिए था। तो क्या शादी से पहले आती? हाँ बेटी। कोई खास नुक्स है मेरे अंदर? बच्ची को खतरा है? अच्छा यही है कि तुम अपनी सास या अपने पति को यहां भेज दो। आप मुझे बताइए, मैं अपना दर्द सहना जानती हूं। कोई दवा ले रही हो? हाँ। दर्द हो तो ये गोलियां और ये इंजेक्शन ले लेती हूं। इलाज किस डॉक्टर से करवा रही हो? मेरे पति के एक दोस्त हैं, डॉक्टर अमर। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी बीमारी के बारे में जानता है। ये दवा इसी बीमारी के लिए है। प्लीज डॉक्टर, प्लीज आप बताइए मुझे क्या बीमारी है। बेटी, तुम्हारे दिमाग में कैंसर है। जी? तुमने जिद की तो मुझे बताना पड़ा, ब्रेन ट्यूमर है,
डीप सीडेड होने की वजह से ऑपरेशन नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं हो सकता। नहीं डॉक्टर नहीं, मेरी सास तो दादी बनने के सपने देख रही है। हौसला रखो बेटी, यहां भागों से कोई नहीं भाग सकता। एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? बोलो बेटी। ये बात मेरी सास को मत बताइएगा, वरना समय से पहले ही उनके सपनों में ग्रहण लग जाएगा। अरे शिखा भाभी, तुम अभी अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, बैठो ना। मैं तुमसे एक शिकायत करने आई हूँ डॉक्टर भैया। डॉक्टर से शिकायत कहते हैं करते नहीं, क्या फिर दर्द हुआ? दर्द तो खात्मे पर है, लेकिन मेरी शिकायत कभी खत्म नहीं होगी। क्या आकाश से अनबन हुई? अब आखिरी दिनों में उनसे क्या अनबन करूंगी। ये सब तुम्हारे पास? जब तुम जानते थे डॉक्टर भैया कि मेरे सांसों की माला टूटकर बिखरने वाली है, तो तुमने आकाश का जीवन नष्ट क्यों होने दिया? तुमने उस महकते चहकते घर में इस लाश को क्यों जाने दिया? बोलो डॉक्टर, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे आकाश ने मना किया था। क्या उन्हें ये मालूम था? आकाश भी जानता था और उसके डैडी भी। धन्य है वो लोग जिन्होंने जानबूझकर विष पी लिया। हजार जन्म लेकर भी मैं उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। एक एहसान मुझ पर भी करोगे क्या भाभी? आज तक तुमने उनका राज रखा है, अब मेरा राज भी रख लो। बोलो। उन्हें ही पता ना चले कि मैं भी सब कुछ जान चुकी हूं, नहीं तो उनकी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। क्या कहा लेडी डॉक्टर ने? डॉक्टर ने सब ठीक है। भाभी, डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि मेरा भतीजा होगा या भतीजी? हमारी बहू बड़ी भाग्यवती है, जरूर बेटा होगा। इस कुल को बढ़ाने वाली तू है। तेज नहीं चलना, बोझ नहीं उठाना। अब जाकर आराम करो, बहुत थकी थकी लग रही हो। अच्छा बुआ जी। जा सुहागवती रह, तेरे आंगन में दर्जनों बच्चे खेलें। नींद नहीं आ रही? जिन आंखों में इतना बड़ा आकाश हो उनमें नींद कहां? सो जाओ। ना सोकर ये प्यार भरे पल खोना नहीं चाहती। सो जाओ मेरी जान। देखो तुमने फिर जान कहा, जान नहीं प्यार कहो। जान तो अनजान है, बड़ी बेईमान है। मुझे प्यार करो, मेरी आत्मा रेगिस्तान की तरह प्यासी है। आकाश तुम प्यार भरे बादलों की तरह बरसो।
मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ेगा आकाश, तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सही सांसें ले ले, लेकिन मेरी शिखा को बचा ले, उस पर तरस खा भगवान, शिखा को बचा ले, दया कर भगवान, दया कर। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ बहन। मेरे पास देने के लिए क्या है दीदी? एक वचन दोगी? बोलो दीदी। जो बात मैं बताऊं तुम किसी से नहीं कहोगी? नहीं कहूंगी। मेरे बाद आकाश का ख्याल रखना। तुम्हारे बाद आशा, विधाता ने मुझे सब कुछ दिल खोल कर दिया है, घर परिवार सुख, मगर मगर उम्र और सांसें देते हुए वो कंजूसी कर गया। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? मेरा अंत करीब है, मेरी सांसें गिनती की हैं, मुझे कैंसर है। कैंसर? नहीं दीदी, ये नहीं हो सकता। नहीं दीदी, नहीं दीदी, ये नहीं हो सकता। आकाश को मुझसे ज्यादा तुमने चाहा है। नहीं नहीं, उसकी देखभाल करना, उसे सहारा देना। हमारी संस्था हमेशा चैरिटी शो करती है। ये प्रोग्राम कैंसर अस्पताल की सहायता के लिए है और कुछ अरसा पहले शिखा जी की मर्जी से ही तय किया गया था। मुझे माफ कर देना डैडी, आप लोगों का दुख अब मुझसे नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। जल्दी चलो, जल्दी चलो। माँ, ये किसी जन्मदिन की पार्टी है या शादी की? अरे आज मेरी बहुरानी का पहला जन्मदिन है, ऐसे ही धूमधाम से मनाओगे। पूरनमल। हाँ जी। मिठाइयाँ अच्छी बनाई है ना? सेठानी जी, मेहमान उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। हाँ, वहाँ नहीं, यहाँ रखो। अच्छा जी। अरे कमला। हाँ? आकाश कहाँ है? भैया तो अपने रूम में है। आकाश। हाँ? भाभी कहाँ है? किसी सहेली से मिलने गई। सहेली से मिलने नहीं गई, अग्रवाल का चैरिटी शो करने गई है। ये देखो कार्ड। Thank you.
तुमने इन 6 महीनों में 6 जन्मों की खुशियां देकर मौत को भी शर्मिंदा कर दिया। डॉक्टर अमर प्लीज कुछ करो। रोना नहीं, हमेशा की तरह मुस्कुराओ। तुम्हें मेरी कसम, तुम सचमुच देवता हो। वक्त बहुत कम है शिखा, मुझे डैडी के पास ले चलो, मैंने वचन तोड़ा है। मुझे क्षमा मांगनी है। अरे भाई कहां चली गई वो? वो कौन सी ऐसी सहेली है जिसने यहां आने की बजाय अपने पास बुला लिया? अब वही खड़े रहोगे? उधर भी तो देखो। जी हाँ देखता हूँ पंडित जी, वो हार लाइए ना। वाह वाह वाह, आकाश भैया की गाड़ी आ गई। आ गई? हाँ। अरे सुनती हो शिखा, आ गई? आती हूँ। ये फूला ना फूल, जैसे शिखा आए उस पर बरसाना। और तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? वो हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो 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 बेटी, तुम भी चलो 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 चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।
शिखा, 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 शिख, शिखा, शिखा, हटो, तुम हटो, हटो, बेटी, बेटी, शिखा, क्या हुआ बेटी, बोलो बेटी, क्या हुआ, मेरे बच्चे को क्या हुआ, मेरे बच्चे को ये क्या हुआ, कोई तो बोलो ना, मेरे बच्चे को क्या हुआ, शिखा, 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 बेटी, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, शिखा, बेटी डैडी, जब आप अपनी 60वीं सालगिरह मनाएंगे तो मैं ये घुंघरू पहनकर जीप भर के नाचूंगी, प्रॉमिस। शिखा बेटे, शिखा, 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 शिखा बेटे, जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। आकाश को मुझसे ज्यादा तुमने चाहा है, उसकी देखभाल करना, उसे सहारा देना,